थोड़ा है। आवे दो मिनट आवे दो मिनट आवे आश्वासन में तो क्या कहे विदेश से जड़ी बूटी मंगा लेंगे लेकिन आप खून नहीं मंगा सकते विदेश से का मंगा लेंगे। बाकी बातें इस मुद्दे में ही नहीं है, इंसानियत आदमी आवे तो और पैसा ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए चलते कोई बात चीज कर निकल जाए जो भी है तो आप मदद कर रहा कोई बात एक दिन में इंसान नहीं आ सकता, दो दिन में नहीं आता, 11 दिन किसको बोलते हैं? आज उसने जंग 11 दिन लड़ी है, जब 5 दिन से समाज में आकरों से हर मीडिया पे आ रहा है, क्या उसकी स्थिति है? तो आपको आना चाहिए, कहा जरूरत है इस धरने की बताओ ना। आज दुख हमारे अंदर हुआ जब ये अनोनी अनोनी एक्सीडेंट ये तो ठीक है, ऊपर वाले घाट में देखिए भाई। उस दिन मैंने रात को इनको फोन किया, रात को आए मैडम, उनसे रात को 11 बजे आए मेरे, रात को भी फोन के लिए बता भी किया ले जा नहीं सकते मनोदा
वो भी आए किसके लिए? हमने युवाओं ने आह्वान कर दिया, कल सुबह हम आएंगे हॉस्पिटल में और धरना देंगे। तब वो सुबह आया जल्दी में, भागदौड़ी में आके आया, कोई नहीं है, ठीक है ना। हमने उनको पहले भी दिया था कि हम आह्वान करते हैं कि यार धरना देंगे, युवाओं ने सब ने मिलके। तब वो उनके जल के मारे आए गए, ये तो क्या मालूम क्या होगा। अब वो क्या हो गए, अब भी होने वाला, जो पहले नहीं हुआ वो अब हुआ। पूरी रखा नहीं रखा नहीं है आपने भेड़ रहे नाते रहे उन दिन भी रात में सहयोग करियो बड़े अपन करना था सहयोग जगदीश सुधाय को न्याय दो, नहीं किसी का हक मांग दे, नहीं किसी से भीख मांग दे, जगदीश सुधाय का हक मांग दे, नहीं किसी से भीख मांग दे। बोल तो बड़को है जोर अगर ठीक है। और रमेश जी दुखद घटना है कि कुछ समय पूर्व मंत्री जी जगेंद्र सिंह शेखावत के काफिले से हमारे भाई जगदीश जी सुथार घायल हो गए थे, जो कि MDM में भर्ती थे, और आज उनका देहांत हो गया। हम पूरा परिवार उसकी दुख घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। भगवान उनको इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। लेकिन ये बड़ी दर्दनाक घटना है, अशोभनीय घटना है और निंदनीय घटना है कि एक मंत्री के काफिले से जब कोई आम आदमी घायल हो जाता है और उसको भर्ती कराने भी मंत्री नहीं जाता और इतने दिन तक उसके दुख सुख की बात भी नहीं पूछता है। अभी परिवार से मिले, हम पहले भी हॉस्पिटल में लोगों से मिलने गए थे, मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी और इनका इलाज बड़ा अच्छा ढंग से चल रहा था राज्य सरकार के माध्यम से। लेकिन एक मंत्री होते हुए, कैबिनेट मंत्री जो दिल्ली में बैठता है, वो आकर पूछता भी नहीं है और इनके सुख दुख की खबर भी नहीं लेता है, किसी प्रकार का कोई इनके साथ खड़े नहीं होकर। ये एक बड़ी अशोभनीय घटना है। उनको कानों में से रुई निकाल कर इनकी बात को सुननी चाहिए, इनकी बात को सुनकर इनके साथ जुड़कर जो इनकी मांग है उसको पूरी करनी चाहिए। और हम इनसे मिले हैं, मुख्यमंत्री जी से भी इनकी इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया जाएगा उनकी बात होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री जी द्वारा राहत इनको दिलाई जाएगी। हम सब नरेश जी जोशी हमारे साथ हैं, अयूब साहब हैं, जगपत सिंह जी हैं, अनिल टाटिया जी और पूरा सर्व समाज, अजय शर्मा जी हमारे जो पार्षद हैं यहाँ सभी उपस्थित, और सर्व समाज जो इस दुखद घटना में इन लोगों के साथ है और हम भी इनके साथ खड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको राहत दिलाने का काम करेंगे।